मिली खबरों के अनुसार आपकी वार बालाकोट में एयर स्ट्राइक नहीं होगा, बल्कि आपकी वार भारतीय सेना पाकिस्तान के काफी अंदर घुसेगी। हो सकता है कि भारतीय वायुसेना के टारगेट पर इस बार इस्लामाबाद और कराची समेत लाहौर भी हो। जिस प्रकार भारतीय वायुसेना पर पाकिस्तान ने हमला किया है, उसके बाद से भारतीय वायुसेना का पायलट पाकिस्तान से बदला लेने के लिए व्याकुल हो उठे हैं। जानकार बताते हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन जैसे चार खतरनाक पायलट को चयनित कर लिया गया है, जो पाकिस्तान के चार शहरों को आज सुबह 3 बजे तहस नहस कर देंगे। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भी अपने सभी छोटे बड़े डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए है। पाकिस्तान भारत से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर पहले हमले करके बड़ी गलती कर दी है और अब उसका मौत कब्रिस्तान में इंतजार कर रही है। अगर भारतीय वायुसेना इस्लामाबाद में राफेल एयर स्ट्राइक करती है तो इमरान खान को बंधक बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई तजुब की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को बंधक बनाकर बांग्लादेश को आजाद करा दिया था। ठीक वैसा ही एक बड़ा धमाका फिर से मोदी जी भी करना चाहते हैं, ताकि उनका भी इतिहास के पन्नों में इंदिरा गांधी से भी बड़े बड़े अक्षरों में नाम छापा जाए। और अगर आपकी बार भारतीय वायुसेना इमरान खान और जनरल बाजवा को बंधक बनाती है, तो भारत सबसे पहले पीओके पर अपनी दावेदारी ठोक कर उसे वापस ले लेगा, और फिर भारत लाहौर पर भी अपने दावेदारी मजबूत कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये कोई हवा हवाई की बातें नहीं चल रही, आपकी बार प्लानिंग पूरी आर पार की बन चुकी है। अमित शाह जैसे फायर ब्रांड नेता भारत के गृह मंत्री है, और राजनाथ सिंह जैसे विस्फोटक धुरंधर हमारे रक्षा मंत्री है, और घर में घुसकर दुश्मनों को कैसे मारते हैं, ये बात मोदी जी से अच्छा कोई और नहीं जानता। और इसी कारण आपकी बार ये माना जा रहा है कि भारत इस छोटे धमाके का बदला पाकिस्तान के बड़े शहरों को फूंक कर ले सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और आप अपना दिन शुभ बना ले। अगर आप नीचे कमेंट में जय हिंद लिखते हैं, तो आपके आने वाले 10 दिन शुभ हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर मोदी जी के हाई लेवल मीटिंग में क्या क्या हो रहा है। अमित शाह के साथ हाई लेवल मीटिंग पर पहुंचे पीएम मोदी। राजनाथ सिंह ने कहा, एयर स्ट्राइक ही अंतिम उपाय। भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला चीन, जो लगातार पाकिस्तानी आतंकियों की मदद से भारत में ड्रोन हमले करवा रहा है, अब उसका समय खत्म हो चुका है। दोस्तों, लेह लद्दाख का दौरा खत्म करके दिल्ली लौटते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक अहम बैठक होनी है। राजनाथ सिंह सीमा पर ताजा हालात के बारे में पीएम मोदी को जानकारी देंगे। शाम करीब 4 बजे होने वाली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, और जिसके बाद माना जा रहा है कि सुबह 4 बजे तक एक बड़ा धमाका पाकिस्तान के अंदर गूंज सकता है, और जिसकी आहट बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक महसूस किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में उठाया मुद्दा। देश पर हुए पहले ड्रोन आतंकी हमले के बाद भारत हर मोर्चे पर सक्रिय हो गया है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में ड्रोन्स के दुरुपयोग का मसला उठा। भारत ने साफ कहा कि हथियारबंद ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है, इस पर दुनिया को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। भारत ने कहा कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में विशेष सचिव VSK कौमुदी ने कहा, आतंकवादी मकसद के लिए उभरती नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग आतंकवाद के सबसे गंभीर खतरों में से एक है। उन्होंने कहा, आज आतंक के प्रचार, कट्टरता भराने और कैडर की भर्ती के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इसमें पाकिस्तान का मदद कर रहा है चीन। इतिहास गवाह रहा है कि चीन डायरेक्ट युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करता, अक्सर वे नॉर्थ कोरिया को हथियार सप्लाई करके अमेरिका को परेशान करता है, और ठीक उसी प्रकार चीन पाकिस्तान में ड्रोन सप्लाई करके भारत को परेशान करने की कसम खा रही है। तो अब भारत भी पीछे नहीं रहने वाला है। भारत सरकार की कुर्सी पर बैठने वाला मोदी है, जिसे पता है कि घर में घुसकर कैसे हिसाब चुकता किया जाता है। और मोदी जी के इस मीटिंग में ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि आपकी बार भारतीय वायुसेना के टारगेट पर न केवल इस्लामाबाद होगा, बल्कि चीन के भी कई बड़े शहरों को चपेट में लिया जा सकता है। पीएम करेंगे हाई लेवल मीटिंग। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज शाम सीमा सुरक्षा पर बैठक करने वाले हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की चर्चा पीएम मोदी की बैठक में होने की पूरी संभावना है। वही जम्मू ड्रोन हमले के बाद वहां एक के बाद एक कई ड्रोन्स का दिखना जारी है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। वही जम्मू में एक के बाद एक आसमान में ड्रोन का दिखना जारी है। जानकारी के मुताबिक जम्मू के कलुचक छावनी, रत्नुचक छावनी और कुम्जबानी इलाके के पास ड्रोन देखे गए। NIA को सौंपी ड्रोन हमले की जांच।
दूसरी ओर इस मामले में सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। गृह मंत्रालय ने जम्मू ड्रोन हमले का मामला एनआईए को सौंप दिया है। एनआईए की टीम पाकिस्तान की भूमिका समेत ड्रोन हमले के हर पहलू की जांच करेगी। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी जम्मू पहुंच गई है, जो हमले वाली जगह का मुआयना करेगी। बता दें कि जम्मू में भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर शनिवार देर रात दो ड्रोन से विस्फोटक गिराए गए थे, जिसमें दो जवान मामूली रूप से घायल हो गए थे। पाकिस्तानी आतंकियों का देश के किसी सैन्य अड्डे पर इस तरह का ये पहला ड्रोन हमला है। हालांकि इस हमले में किसी सैन्य उपकरण को नुकसान नहीं पहुंचा और आतंकी अपना निशाना चूक गए। इसराइल एक ऐसा देश है जिस पर लगातार पिछले कई सालों से ड्रोन हमले होते जा रहे हैं, और अभी हमें पता चल रहा है कि इन सभी छोटे छोटे ड्रोन का निर्माता चीन है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में आज चीन सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है, जो आतंकियों को ड्रोन सप्लाई करता है और फिर अलग अलग देशों में लाखों मासूम मारे जाते हैं। आजकल चीन एक देश नहीं बल्कि कसाईखाना बनकर रह गया है। पहले पूरी दुनिया को लगता था कि ईरान की मदद से हमास के आतंकवादी ड्रोन बनाते थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि ईरान तो बस एक प्याता था। इन सभी ड्रोन का विधाता कोई और है, और उस खलनायक का नाम है चीन। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत एयरफोर्स पर ड्रोन अटैक हो जाए, जो कि अपने आप में काफी सुरक्षित जगह मानी जाती है, और इस काम को अंजाम दिया है चीन ने। और इस हमले में चीन का साथ दिया है पाकिस्तान। चीन को अच्छे से पता है कि वे भारत से युद्ध जीत नहीं सकता, क्योंकि आज भारत के पीछे अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे महाशक्तिशाली देश खड़े हैं। इसी कारण वे भारत को परेशान करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते रहता है। दोस्तों, चीन हमेशा से ही भारत के पड़ोसियों के साथ भारत को लड़ाना चाहते हैं, और उसी मकसद से एक बार फिर चीन ने पाकिस्तानी आतंकियों की मदद से भारत में ड्रोन हमले करवाया है। इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं कि ये वे सभी ड्रोन चाइनीज थे, और लगभग इन्हीं ड्रोनों का इस्तेमाल हमास के आतंकवादी इसराइल के ऊपर हमले करने में करते हैं। तो यहाँ से यह पता चलता है कि इसराइल और भारत के ऊपर हो रहे ड्रोन हमलों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि चाइना है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है, पर इस हमले को लीड करेगा भारत, लेकिन पूरी तरह से सपोर्ट करेगा इसराइल। और अब इसराइल ने यह ठाना है कि चीन पाकिस्तान को भी सबक सिखाना है। इसराइल भारत को हमेशा से ही आयरन डोम ऑफर करता आया है, और अब हो सकता है कि भारत इसराइल से आयरन डोम खरीद ले। और जानकार भी यह मानते हैं कि अगर आज भारत के पास आयरन डोम होता तो चीन की हिम्मत नहीं होती भारत की तरफ ड्रोन हमले करवाने की। लेकिन एक हकीकत माननी पड़ेगी आपको कि आने वाले समय में ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध में बड़े स्तर पर होने वाला है। आपने हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध में देखा होगा कि कैसे ड्रोन हमलों में पूरे युद्ध का खेल ही पलट कर रख दिया था, और इसी कारण भारत भी लगातार ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। और इसके साथ ही भारत लगातार छोटे और बड़े सभी प्रकार के ड्रोन खरीद भी रहा है। आज के दिन में अगर देखा जाए तो ड्रोन युद्ध में कैसे जीता जाए ये बात इसराइल से अच्छा कोई नहीं जानता। इसराइल ड्रोन द्वारा युद्ध में महारत हासिल कर चुका है, और वे इस मामले में हर समय भारत का सहयोग बनने के लिए तत्पर रहता है। और इसी कारण अब भारतीय सुरक्षा प्रमुख ने इसराइल के साथ बड़े लेवल पर ड्रोन डील करने की सोच रखी है, और इस डील में मोदी जी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मोदी जी भारत की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, ये बात आप सभी जानते हैं, और इसी कारण वे जल्दी ऐलान कर सकते हैं कि इजराइल से आयरन डोम और रूस से S-400 जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा।